नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 नवंबर सोमवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। नगर परिषद बोर्ड की आपात बैठक आज प्रातः आयोजित हुई। नगर परिषद सभागार में आयोजित बैठक में करीबन 3 दर्जन पार्षद उपस्थित थे। इनमें 6 नवंबर की बैठक में नेता प्रतिपक्ष बबीता गौड की टिप्पणी पर उनकी सदस्यता निलंबित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं बबीता गौड के समर्थन में उपसभापति लोकेश मनचंदा खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने आज आयोजित बैठक में भाग नहीं लिया। वहीं मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सभापति को आयुक्त व नेता प्रतिपक्ष के बीच बैठक करवाकर मामले को सुलटाने का प्रयास करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उस दिन टिप्पणी का वे समर्थन नहीं करते, किंतु आज की कार्रवाई के भी वे पक्षधर नहीं है। बोर्ड एक परिवार की तरह होता है और उसमें आपसी मतभेद बैठकर सुलझाए जाने चाहिए। दूसरी ओर भाजपा जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़ ने कहा कि इस बैठक में विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी थी। बैठक में एक ही एजेंडा था कि बबीता गौड को निलंबित किया जाना, इसलिए उन्होंने पार्टी पार्षदों को बैठक में शामिल नहीं होने के लिए कहा था, किंतु अब उन्हें जानकारी मिली है कि आधा दर्जन से अधिक पार्षद इसमें शामिल हुए हैं। वे इसकी पुष्टि करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नगर परिषद के पूर्व उपसभापति जगदीश चांदू का कहना है कि पार्षद को निलंबित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, बोर्ड वहां प्रस्ताव भिजवा सकता है, अंतिम निर्णय सरकार ही करेगी। वहीं पार्षद के पास हाईकोर्ट में अपील करने का भी अधिकार सुरक्षित रहता है। श्री गंगानगर जिले की मटीली राठान थाना पुलिस ने महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मटीली राठान निवासी सुखवंत सिंह और बूटा सिंह नामक व्यक्ति को अलग अलग थानों से गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ जुलाई माह में खेत में घुसकर मारपीट करने और छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके अलावा राधेश्याम निवासी धान मंडी श्री गंगानगर को भी हिरासत में लिया है। उस पर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप है। राजस्थान में पीने के पानी की बर्बादी अब करना दंडनीय अपराध है। पीने के पानी को बेकार बहाने वालों को अब 5 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने संबंध में नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार भूजल दोहन कर निकाले गए पीने योग्य पानी का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। पानी की सप्लाई का काम करने वाले जलदाय विभाग, जल बोर्ड, स्थानीय निकाय व ग्राम पंचायत को पानी बेकार बहने से रोकने के लिए प्रयास करने होंगे। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की बैंक कॉलोनी में एक निजी वाहन पर गोलियां चलाने के मामले में पुलिस ने FSL का भी सहयोग मांगा है। आज प्रातः FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुराग जुटाए। शुभम गुप्ता की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस की ओर से लॉरेंस बिश्नोई और काली गैंगस्टर व उसके साथियों के खिलाफ 1 करोड़ की फिरौती मांगने और जान लेने की नीयत से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस का कहना है कि लॉरेंस और काली गैंगस्टर दोनों ही जेल में हैं। उल्लेखनीय है कि रविवार शाम को बाइक पर सवार 2 लोगों की ओर से ई ब्लॉक निवासी शुभम गुप्ता पर बैंक कॉलोनी में उस समय हमला किया गया था जब वे अपनी बहन के घर गए थे। वरिष्ठ व्यापारी LD मित्तल ने पुलिस को पहले भी सूचित किया था कि उनको धमकाकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में ससुराल में जाकर एक युवक द्वारा खुद की आग लगाकर आत्मदाह करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक युवक की बहन फाजिलका निवासी आशा देवी ने अपनी भाभी सहित उसके पीहर पक्ष के लोगों के खिलाफ अनूपगढ़ थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि प्रेमनगर निवासी सुभाष कुमार की कल रात को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सुभाष का अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसको लेकर पत्नी अनूपगढ़ में ही अपने ससुराल पर चली गई थी। 2 दिन पहले सुभाष ससुराल गया तो वहां ससुर के साथ किसी बात को लेकर बोलचाल हो गई थी। इससे आक्रोशित होकर सुभाष ने ससुराल में खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। पाली जिले के जयनगर में एक मां बेटे ने जहर खा लिया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का ताला तोड़कर दोनों को बांगड़ अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों की हालत गंभीर है। फिलहाल मां बेटे द्वारा जहर खाने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। श्री गंगानगर जिले के हिंदुमलकोट थाना में एक स्कूल के अध्यापक ने एक महिला सहित 4 जनों के खिलाफ ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को देर रात्रि हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि सूरतगढ़ निवासी दयाराम नामक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि वह गत दिनों हिंदुमलकोट से श्री गंगानगर की ओर बस में जा रहा था। उसी दौरान बस में एक युवती से पहचान हो गई। दयाराम का आरोप है कि युवती ने फोन करके उसको घर बुलवा लिया। घर पर पहुंचा तो युवती अकेली थी। कुछ ही देर में वहां राजपाल सिंह, कुलदीप सिंह और पाल सिंह नामक व्यक्ति आ गए। उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसका अश्लील वीडियो बनाकर रुपये मांगे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
पहले बालिका से दुष्कर्म करने और फिर जहर पिलाकर मार डालने के दोषी को भरतपुर कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास और 60,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की ओर से जुर्माना जमा करवाने पर यह रकम पीड़िता के अभिभावकों को देने का आदेश दिया है। साथ ही मामले में अभियुक्त की DNA जांच नहीं कराने को जांच अधिकारी की लापरवाही माना है। पोक्सो मामले में विशेष न्यायालय ने नदबई थाना क्षेत्र स्थित चीताहेरी गांव निवासी गिरधारी को दुष्कर्म और हत्या करने का दोषी पाया है। श्रीगंगानगर जिले के जवाहर नगर थाना पुलिस ने जवाहर नगर स्थित सेक्टर 6 में एक मकान पर छापा मारकर एक युवक को क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया है। इसके पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, 30,000 रुपये नगद व लाखों का हिसाब किताब लिखा रजिस्टर बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि रात करीब 10 बजे 6 नवंबर सेक्टर में जगदीश सिंह नामक व्यक्ति ने मकान में क्रिकेट बुक्की चलाने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस ने मकान पर छापा मारा तो सुनील अग्रवाल निवासी श्रीगंगानगर नामक व्यक्ति क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहा था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जोधपुर के बुरुंदा कस्बे के पीपली चौराहे क्षेत्र में बावरियों के शमशान के पास एक वृद्ध महिला के साथ दिन दिहाड़े कंठी लूट की वारदात हो गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि मैना देवी खेत से घर लौट रही थी तो एक युवक ने भैंस के बारे में पूछा। अकेली देखकर उसने गले में पहनी कंठी चाकू से तोड़कर फरार हो गया। घटना के दौरान पीड़िता ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया तो वह चोटिल भी हो गई। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ रोड पर आज सुबह एक टेम्पो और कार की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बालक की मौत हो गई तथा कईयों के चोटें लगी। सूचना मिलने पर गणेशगढ़ चौकी पुलिस और चुनावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में लाया गया। वहां पहुंचते ही 7 वर्षीय बालक राहुल की मौत हो गई। इसके अलावा अनूपगढ़ के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार नरेश कुमार की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जलोर जिले के अहोर थाना क्षेत्र के जवाई नगर में एक नवजात शिशु का शव मिला है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि घटना हरियाली सरहद के जवाई नगर नहर की है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में पशु को बचाने के चक्कर में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए युवक की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे बीकानेर रेफर कर दिया है। इस हादसे में घायल युवक के चाचा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने इस मामले में फिलहाल मर्ग दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि पीलीबंगा बाईपास चौराहे पर रात को हुए हादसे में निरंजन सिंह के पुत्र की मौत हो गई थी। इसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। इसका भतीजा राहुल घायल हो गया था, उसको बीकानेर रेफर किया गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।